नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं, चंदा रसीद निर्माण की हम डिज़ाइन कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में आप देखेंगे पूरी डिज़ाइनिंग। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे जो वीडियो हैं आपको सबसे पहले मिल सकें और आप उनका लाभ ले सकें। आपके पास जो भी कोरल ड्रा का वर्जन हो आप उसे ओपन कर लें और एक न्यू पेज यहां से क्रिएट करें। ये यहां पर आपको दिख रहा होगा, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो भी न्यू पेज आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक न्यू पेज ले लें और इस पर आपको जो है A4 साइज का पेपर सेलेक्ट करना है। ये आपका A4 साइज का पेपर है। यहां पर आप यूनिट्स में जाएंगे तो यहां पर जो इंचेस है, मिलीमीटर्स हैं, पॉइंट्स हैं, इन सब में इन साइजों को दर्शाया गया है। तो हम जो काम करते हैं वो इंचेस में नाप कर ही करते हैं, तो हम यहां पर इंचेस ले लेंगे। इंचेस लेने के बाद यहाँ पर जो पेज है ये हमारा पोर्ट्रेट में है, इसको हम कर देंगे लैंडस्केप में। और लैंडस्केप में करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम चलेंगे रेक्टेंगल टूल पर। रेक्टेंगल टूल पर जाने के बाद इस पर हम कर देंगे डबल क्लिक। डबल क्लिक होने के बाद देखेंगे आपके इस पर जो बॉर्डर के जो चारों कॉर्नर हैं हमें साइज बॉर्डर की दिखने लगी है। इस बॉर्डर की हम साइज डिवाइड करने के लिए आपको एक यहाँ से ऊपर ग्रेड लेनी है इस प्रकार से। और ग्रेड को ये जो पॉइंटर दिख रहे हैं आपको, इन पर आपको ग्रेड को सेंटर यहाँ पर रख देनी है इस प्रकार से। आपके जो A4 में हम दो रसीद सेट कर रहे हैं तो इस प्रकार से डिवाइड हो जाएगा आपका। एक रसीद की साइज आपको ऊपर यहाँ मिल चुकी है और इस प्रकार से आप जो है सेंटर ज़रूर बना लें ताकि मैटर टाइप करने में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये हमारी साइज कम्प्लीट हो चुकी है। अब इस साइज कम्प्लीट होने के बाद हम रसीद बुक तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम पहले एक बॉर्डर क्रिएट कर लेंगे, एक बॉक्स ये बना देंगे। फर्स्ट जो हमारा काउंटर बॉक्स है ये हमने बना लिया है, इसके आउटलाइन हम 2 पॉइंट आउटलाइन हमने कर दी है। अब इसके अंदर जो मैटर टाइप करना है वो टाइप भी मैटर हमने कर चुके हैं। यहाँ से हम मैटर ले आएंगे, ये हमारा फर्स्ट लेटर आ चुका है जय हनुमान। इसके बाद यहाँ पर हम समिति का जो नाम है वो उठा लेंगे, इस प्रकार से मंदिर निर्माण हेतु चंदा रसीद, मंदिर निर्माण की ये रसीद है इस प्रकार से। मंदिर निर्माण हेतु चंदा, स्थान जो भी है वो आप नीचे लिख देंगे। अब इसके बाद हम बाकी का जो मैटर है वो भी ले लेंगे। अब हमें इसमें दर्शाना है क्रमांक और दिनांक। यहाँ पर क्रमांक और दिनांक सेट कर दिए गए हैं। अब इसके बाद बाकी का मैटर और हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। ये जो मैटर हम बना रहे हैं इसकी CDR हम आपको फाइल नीचे लिंक पर दिए हैं, उसको आप डाउनलोड करके भी इसको आप सेट कर सकते हैं। ये आ गया है नाम, पता, पोस्ट, नीचे हो गया थाना, जिला, से, और नीचे टाइप कर देंगे धन्यवाद प्राप्त हुए। इस प्रकार से आप लिख देंगे धन्यवाद प्राप्त हुए, ठीक है। अब नीचे हमें एक रुपए का बॉक्स बनाना है तो वो बॉक्स तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे रुपए। एक यहाँ से हम रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे, रेक्टेंगल ले लिया है। रेक्टेंगल को हम एनवेलप टूल से, यहाँ पर एनवेलप टूल है आप देखेंगे, इंटरेक्टिव एनवेलप टूल, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको हम थोड़ा सा कर्वी शेप दे देंगे। इसको इस प्रकार से आप कर्व कर लें डिज़ाइन को, ठीक है। अब इसके बाद हम आउटलाइन देने के लिए हम इसकी जो आउटलाइन है उसको हम फिल कर देंगे इस प्रकार से। आप एक कलर को फिल कर लें और इसको कॉपी पेस्ट करें। कॉपी पेस्ट करने के बाद इसमें आप फिर से कलर फिल कर लें, वाइट, यहाँ से
इस प्रकार से आप इस पर सेट कर देंगे। ये देखिए इसकी जो डिज़ाइन है, इस प्रकार से हम तैयार कर लेंगे और इसको हम अब कंट्रोल जी की सहायता से ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करने के बाद देखिए आप इस प्रकार से इसको आप सेट कर दें और इसको ऑर्डर पर जाकर टू बैक पेज कर लेंगे तो हमारा जो रुपए का जो साइन है वो दिखने लगेगा। आप जो भी क्रिएटिविटी से डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। हमारा ये जो रुपए का बॉक्स है तैयार हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पर हमें हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता लिखना है। यहाँ पर हम ले लेंगे हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता। इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो एक काउंटर है रसीद का वो तैयार हो चुका है। अब हमें दूसरा काउंटर रसीद का तैयार करना है, तो इसके लिए भी हमने तैयारी कर रखी है। देखिए इस प्रकार से आपको कॉर्नर और डिज़ाइन ले लेनी है। ये हमने कॉर्नर और डिज़ाइन क्लिप आर्ट से तैयार कर लिए हैं, इनको हम यहाँ पर सेट करेंगे। इस प्रकार से आप कॉर्नर ले लें और डिज़ाइन ले लें। इन कॉर्नर और डिज़ाइन को आप ग्रुप कर दें, इन्हें सबको इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद इसको हम फिर से एक कंट्रोल वी से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसमें नीचे की बॉर्डर तैयार कर लेंगे इस प्रकार से, और ऊपर आप जाएंगे यहाँ मेरे टूल पर, इसको इस प्रकार से आप क्लिक कर दें तो ये जो है हमारी बॉर्डर नीचे की तैयार हो चुकी है। अब हमें बीच की बॉर्डर तैयार करनी है, तो इसके लिए आप यहाँ फ्री हैंड टूल पर जाएंगे। फ्री हैंड टूल पर जाने के बाद इस तरह से आप जो है बॉर्डर इसको हम पॉइंट में ले लेंगे 1.5। यहाँ पर आप 1.5 विड्थ की बॉर्डर ले लेंगे और इसको यहाँ पर सेट कर लेंगे। और इन पर आप चाहें तो यहाँ से ऊपर से कॉर्नर भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें बहुत सारे डिज़ाइनें दी हुई हैं, तो हमने ये जो गोल डिज़ाइन है ये सिलेक्ट कर ली है, और इनको इस तरह से आप कॉपी करके जो है बॉर्डर तैयार कर लें। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ये देखिए इसी को हम एक बार फिर से इन दोनों को कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल जी से आप ग्रुप कर लें पहले, और फिर इस प्रकार से आप कॉपी करके इस बॉर्डर को इस कॉर्नर पर भी सेट कर देंगे। इसको मेरे टूल से पलटा लें, ये हमारी बॉर्डर कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको आप पूरा सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद अब हम यहाँ पर जो मैटर है वो फिर से सेट कर लेंगे। तो यहाँ ऊपर एक तरफ जय हनुमान, एक तरफ जय माँ दुर्गे, दोनों को सेट कर लेंगे। इसको आप ऑर्डर पर जाकर बॉर्डर को बैक टू पेज कर दें ताकि कोई भी लेटर इसमें दबे ना छिपे ना। तो हमारे जो भी लेटर्स हैं वो सामने रहेंगे, बॉर्डर हमारी पीछे बैक में। अब इसके बाद एक हम श्लोक यहाँ पर लिख देंगे। तुलसी पंचन के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन न घटे जो सहाय रघुवीर, ये यहाँ पर सेट कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हनुमान जी की जो मूर्ति है मोनो है वो लगा लेंगे। यहाँ पर दुर्गा जी की मोनो लगा देंगे, क्योंकि इन दोनों भगवान का जो स्थापना होनी है इस मंदिर में। अब बीच में आप लिख देंगे मंदिर निर्माण और जो स्थान है उसको, तो इनको भी हम लेटर्स को बड़ा कर लेंगे। इन लेटर्स को आप बोल्ड हेडिंग के लेटर्स हैं, इसलिए इन्हें हम बोल्ड में रखेंगे। तो इस प्रकार से आप इनको साइज बड़ा कर लें। यहाँ पर नीचे स्थान में स्थान लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्रमांक और दिनांक का मैटर सेट कर लीजिए, और नाम जो पता है इस प्रकार से नाम, दानदाता का नाम, पता, पोस्ट, जिला, इन सबको हम सेट कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाएगा सधन्यवाद पाया, और इस तरफ कर देंगे हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता। दोस्तों इस प्रकार से हमारी जो रसीद है वो काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पर रुपए का जो लोगो है इसको हम कॉपी करके इस तरफ रख देंगे, ये थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेंगे। और अब आप देखेंगे हमारी जो रसीद बुक है वो तैयार हो चुकी है। फ्री हैंड टूल से एक लाइन ड्रा कर लीजिए इस प्रकार से, और इस लाइन को यहाँ बीच में रख दीजिए। और यहाँ से पेन टूल पर जाइए, और यहाँ से आप बॉर्डर इस प्रकार की जो कट वाली लाइन है वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये हमारा
ये बीच का परफोरेटिंग है, फाड़ने की जगह है, उसका ये जो लाइन हमने बना दी है। तो हमारी रस्सी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। अब आपको अगर एक पेज पर दो सेट करनी है तो इनको कंट्रोल जी से ग्रुप कर लें पहले, और फिर इसको कंट्रोल भी की सहायता से इस प्रकार से कॉपी कर लें। यह हमारी A4 पेज पर दो रसीद बुक सेट हो चुकी हैं। अब आप चाहें तो इनको स्क्रीन से या ऑफसेट मशीन से या डिजिटल मशीन द्वारा आप इसे प्रिंट करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं। दोस्तों, आपको डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और इसकी CDR फाइल अगर आपको चाहिए तो हम इसे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे रहे हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो हमारी नवरात्रि की दुर्गा उत्सव की चंदा रसीद है उसको हम अगले वीडियो में आपको बनाकर दिखाएंगे, तो आप वेट कीजिए उस वीडियो का। हम पूरी रसीद बुक A4 साइज में तैयार करेंगे, उस डिज़ाइन को आप ज़रूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।